भाजपा तो पूरे पंजाब की जमीन छीन रही है, जमीन तो भाजपा से बचा रहे हैं, कहाँ ढूंढेंगे वो? वो तो पूरे पंजाब की जमीन को छीनने का बिल लेके आ रहे हैं। कहने की बातें हैं, अब पछताए क्या हुए जब मोदी चुप गया खेत। अमेरिका ने जापान पे बम फेंका था, या तो तब धरती कांपी थी, या फिर जब हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है तब धरती कांपी है। अब अपने आप को वो बमों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी सुखबीर बाल कह रहा था, ऐसी सड़कें बना दूंगा कि बम फेंकते रहो टूटेगी नहीं, पानी पे बसें चला दूंगा। तो उनकी बातों पर लोग यकीन नहीं करते। अकाली दल वालों भाजपा नालों गठजोड़ तोड़न दे ऐलान तो बाद संगरूर तो आम आदमी पार्टी दे संसद मैंबर भगवंत मान ने अपनी प्रतिक्रिया दिती है। भगवंत मान ने वड्डा बयान दिंदे हुए कहा कि लोगों ने हुण 9 तो मास नूं वख कर दिता है। भगवंत मान ने कहा कि जिन्नी खुशी भाजपा ने इन्हां दे वख होण दी मनाई है उस तो पता लग जांदा है कि इह किन्ने कु चहेते सी। देखिए, अब तो ये एक महज एक ड्रामेबाजी है। अगर इस्तीफा भी देना था हरसिमरत कौर ने और एनडीए से संबंध तोड़ने थे, तब तोड़ने चाहिए थे जब ये बिल, जब ये ऑर्डिनेंस जो है वो कैबिनेट में आया था। 3-4 महीने से पूरा बादल परिवार लोगों को ये समझा रहा है कि बिल बहुत अच्छे हैं, ये तो बिल बहुत अच्छे हैं, किसानों को फ़ायदा हुआ। अचानक से लोगों के संघर्ष के सामने जब उनको झुकना पड़ा तो इस्तीफा दे के एनडीए से भी कह रहे हैं हम नाता तोड़ रहे हैं। लेकिन ये 9 मास का जो रिश्ता कह रहे थे ना, ये लोगों के प्रेशर से टूटा है। अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि लोग यकीन नहीं कर रहे। क्या 2022 की तैयारी में जुड़ गया था अकाली दल, इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 90% से ज़्यादा किसान उनके साथ हैं? उनका क्या कहने को, तो पता नहीं क्या कह देते हैं। वो तो कह रहे हैं जब अमेरिका ने जापान पे बम फेंका था, या तो तब धरती कांपी थी, या फिर जब हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है तब धरती कांपी। अब अपने आप को वो बमों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी सुखबीर बाल कह रहा था, ऐसी सड़कें बना दूंगा कि बम फेंकते रहो टूटेगी नहीं, पानी पे बसें चला दूंगा। तो उनकी बातों पर लोग यकीन नहीं करते क्योंकि उन्होंने जितना लोग किसानी का, पंजाब का और सिख धर्म का जितना नुकसान इन्होंने किया है बादल परिवार ने, उतना किसी ने नहीं। नाल ही भगवंत मान ने कहा कि आप पार्टी ने जदों ऑर्डिनेंस आया सी डट के विरोध किया सी, ते जदों तक इंसाफ नहीं मिलता इसका विरोध करते रहेंगे, ते जय किसान जय जवान का नारा भी हुण तब्दील हो गया। हम तो पहले दिन से, अभी नहीं, जिस दिन ऑर्डिनेंस के बारे में बात चली सी तब से आज तक सड़कों पर, विधानसभा में, लोकसभा में, जहाँ भी हमें मौका मिला हमने इस बिल का विरोध किया, डट के विरोध किया, करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि ज़मीन जो है वो किसान की माँ है और वो अपनी माँ को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पार्लियामेंट में भी मैंने बोला था ये कि जय जवान और जय किसान का नारा जो था वो अब मर किसान और मर जवान के नारे में तब्दील हो चुका है। क्योंकि जो फौजी जवान सरहदों पर हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से खेती से जुड़े हुए हैं, वहाँ बॉर्डर पर वो मर रहे हैं, यहाँ उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। तो मतलब जय जवान और जय किसान की जगह ये मर जवान और मर किसान का नारा दे रहे हैं, जो बीजेपी के लिए बहुत समझ लिए उल्टी गिनती इनकी शुरू हो जाएगी। क्योंकि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया था लेकिन शांता कुमार की कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी, जो कि किसानों के लिए बहुत घातक है। भाजपा नई जमीन ढूंढेगी पंजाब में? अब भाजपा तो पूरे पंजाब की जमीन छीन रही है, जमीन तो भाजपा से बचा रहे हैं, कहाँ ढूंढेंगे वो? वो तो पूरे पंजाब की ज़मीन को छीनने का बिल लेके आ रहे हैं। इसीलिए उनको कोई पॉलिटिकल ज़मीन तो पहले भी नहीं थी उनके पास। अकाली दल भी मतलब अब 1920 में शुरू था, 2019 में ख़त्म हो गया। तो अब ये सिर्फ कहने की बातें हैं, अब पछताए क्या हुए जब मोदी चुक गया खेत। सदा दे कि जदों तो अकाली दल वालों भाजपा नालों गठजोड़ तोड़न दा ऐलान कीता उस तो बाद सियासत खूब गरमाई हुई है अते अकाली दल दे इस फैसले नूं ड्रामा दस्या जा रहा है। उन्हां दा ए वी कहना कि जेकर उन्हां ने गठजोड़ तोड़ना सी तां ऑर्डिनेंस जदों पास हो रहा सी तां उदों करना सी, इह तां हुण सिर्फ एक सियासी ड्रामा कीता जा रहा है। संगरूर तों गगनदीप सिंह दी रिपोर्ट, चैनल पंजाब।